मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाने की कवायद लगातार जारी है। इसी क्रम में शिवपुरी के सैकड़ों गांव का विस्थापन होना है। मुआवजे के तौर पर सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए परिवार को दिए जाने हैं। इसके चलते अभी ग्राम सभा के तरफ से कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें बिना मुआवजे के डरा धमकाकर बाहर निकाला जा रहा है। लखनगवा गांव के ग्रामीण रामवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि वो कई सालों से गांव में रह रहे हैं और उनके गांव का विस्थापन होना है। इसके चलते उन्हें अभी जगह मुहैया नहीं कराई गई है, न ही राशि मिली है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर उन्हें डरा धमकाकर बाहर जाने की बोलते हैं। गांव में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर विस्थापन में राशि मुहैया नहीं कराई जाती तो गांव के ग्रामीण कहां जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी परिहार है सर। किस तरह की परेशानी है अभी आप? साहब हमारे को जो वन विभाग की परेशानी है, हमारे गांव फॉरेस्ट में ले चुके हैं अभी, और कुछ को तो 10-20-15 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई को कुछ एक रुपया भी नहीं दे रहे सर। वो हमको कोई मुआवजा नहीं मिला, वो हमारे बच्चे हैं साहब, हम उनको कहां ले जाएं? ना स्थापन की कोई जगह दे रहे और ना कोई हमको ऐसा कह रहे कि तुमको कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो ये कह रहे तुम्हें तो लट तोड़ पड़ेंगे। आपको कितने साल हो गए यहाँ? हमको साहब मेरी उम्र हो गई यहाँ 52 साल, यहीं का जन्म है मेरा, यहीं का जन्म है सर। आपके खाते में कोई पैसा राशि नहीं? कोई राशि नहीं डाली सर। आप तो कोई जमीन वमीन है नहीं साहब, बेदखल हमको कोई जमीन नहीं। कैसे पालन पोषण करते हो आप? मजदूरी करते हैं साहब, तो वो मजदूरी भी नहीं रहेगी साहब, 2 साल से फसल नहीं करने दी, ट्रैक्टर पकड़ ले लो बागन के केस लगा दे, FIR करवा दी, तो खेती भी नहीं हुई साहब, सरसों जोत दी सब फसल नष्ट कर दी सर, नहीं दे रहे। लोग बाग आते भी कहते हैं इनको यहाँ से ले जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजबूत सिंह है। मजबूत सिंह कहाँ के निवासी हो? अन्नगर के। क्या परेशानी का सामना कर रहे हो अभी? हम अभी जो परेशानी का सामना कर रहे हैं कि घाट हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? कुछ नहीं, जहाँ से हट जाओ तुम्हारा कुछ राशि मासी नहीं दी जाएगी, और वैसे ही हटा रही है सरकार हमको। आपको कोई राशि मिली अभी तक? नहीं। क्या विस्थापित नहीं किया जा रहा, कहीं नई दूसरी जगह नहीं बसाया जा रहा? नहीं 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 बसा रहे। कहीं रहने की कहीं तो जगह दी होगी ना? नहीं कुछ नहीं दी। तो क्या कह रहे हैं फिर? जहाँ से हट जाओ। गाँव में और कोई को दिया जा रहा है क्या कोई राशि? हाँ सर। कितनी राशि दी जा रही है? 15 लाख रुपये हमने सुनी है जी बात के, 15 लाख उनको पैसा दिया जा रहा है, फिर हमको कह नहीं दे रही सरकार। वो जहाँ CA पे आए थे लखनवा में, तो वहाँ बात बोली थी उनने कि जो जमीन रह गई है शेष उनका पैसा दिया जाएगा और तुमको पैसा नहीं मिलेगा। हम भूमिहीन हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह गुर्जर नाम है साहब मेरा जी। रामवीर सिंह जी, आप किस तरह की परेशानी से? परेशानी साहब रेंज फॉरेस्ट वाले बजा रहे हैं, बोल नेशनल पार्क में गांव को आया है हमारा, तो वे जो जी बोल रहे हैं कि आओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है, जमीन वमीन जो पहले बहुत पहले थे, हमारा तो जन्म यहीं हुआ है, जब से यही सुनना है कि जान। उम्र क्या है? उम्र हमारी 33-35 के लगभग है। 33 के लगभग। आपका जन्म कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था सब। यहीं जन्म हुआ था। तो आप कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं सब। उनका लालन पालन कैसे करते हो? कैसे? मजदूरी कर रहे हैं सब। मजदूरी करते हैं। अभी आप उनको लाल पालते हो, मतलब मजदूरी करते हो, तो यहाँ से आपको भगाया जा रहा है, आप कैसे मजदूरी करोगे? कहीं दूसरी जगह बसाया जा रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है साहब, दूसरी जगह बस नहीं कहीं, वो तो यहीं है, जो कछु है तो यहीं डले हैं। वो आप तो मन में यही कर रहे हैं कि यहीं मारेंगे, और वैसे भगना नहीं है, यहाँ से जाएंगे तो कुछ मिलेगा तो ही आएंगे, वरना नहीं जाएंगे। भी कर वे चाहें इसके विस्थापन की राशि उनको नहीं दी जा रही है, जबरदस्ती वहाँ से भगाया जा रहा है, बीट प्रभारी उनको परेशान कर रहा है, इस तरीके से उनका आरोप है, क्या कहेंगे आप? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कुछ एक गांव जो हैं वो अभी विस्थापन होना अशेष हैं। इनके विस्थापन की प्रक्रिया गांव वालों से चर्चा कर वो प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो कि ग्राम सभा इस संबंध में निर्णय ले कि गांव वाले विस्थापित होना चाहते हैं, उसके बाद फिर विस्थापन की प्रक्रिया और जो भी जांच प्रक्रिया है अलग अलग कमेटियों द्वारा वो की जाती है। तो अभी ग्राम सभा का प्रस्ताव इस संबंध में पास होना है, वो ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद ही इस प्रकार की कोई भी बात आएगी। तो अभी कोई कहता है कि
पात्र है अपात्र है या पैसा मिला या नहीं मिला, मैंने कहा थोड़ा जल्दबाजी होगी, अभी इस प्रकार की कोई भी बात शुरू नहीं हुई है। लखनगवा गांव में अभी इस तरीके कुछ भी नहीं हुआ है? लखनगवा अभी अभी इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। मैंने जैसा कहा कि जब तक ग्राम सभा ये सर्वसम्मति से पास ना कर दे, प्रस्ताव पारित ना कर दे कि वो विस्थापित होना चाहते हैं, किसी भी ग्राम का विस्थापन इस देश में नहीं हो सकता। तो ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित होने के बाद ही उनके द्वारा पैकेज का, किस पैकेज के तहत वो हटना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद ही विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।